हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो मुद्दा है, जिसके ऊपर चर्चा होने वाली, जो टॉपिक है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, वो है भैया बैक ऑफ एल्गोरिथम। इसे आज हम समझने वाले हैं, लेकिन इसे समझने से पहले कुछ चीजें, कुछ फंडे, कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि CSMACD, कोलिजन क्या होता है, ये आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता भी चुका हूं, बिकॉज दिस इज सम प्रीरिक्विजिट नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द बैक ऑफ एल्गोरिथम। बराबर, अगर आपको ये फंडे, ये कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स पता है, कोलिजन क्या होता है, CSMACD क्या होता है, अगर ये सारी चीज आपको पता है, तो भैया इसे समझने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए इसे समझना और मेरे लिए आप तक इसे पहुंचाना, समझाना। तो भैया बैक ऑफ एल्गोरिथम ये जो फंडा है, इसे समझना शुरू करते हैं। बैक ऑफ एल्गोरिथम आखिर है क्या, ये कहां इस्तेमाल होता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें जो है वो अभी हम जानेंगे। सो बैक ऑफ एल्गोरिथम दोस्तों ईथरनेट में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ईथरनेट। किस लिए भैया, क्यों यूज किया जाता है? टू शेड्यूल द रिट्रांसमिशन आफ्टर कोलिजन। मतलब एक बार भाई साहब कोलिजन हो चुका है, ओके, इसके बाद कोलिजन ना हो, इसीलिए एक शेड्यूल बनाया जाता है, उस हिसाब से ये रिट्रांसमिशन करना है अपने स्टेशन को। मतलब कुछ वेटिंग टाइम जो है वो दिया जाता है हर स्टेशन को, कि भाई तू इतनी देर, कोलिजन हो गया ना, अब तू इतनी देर वेट करेगा, तू भाई साहब इतनी देर वेट करेगा। और एक बार आपका वो वेटिंग टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आफ्टर द वेटिंग टाइम, उसके बाद आप रिट्रांसमिशन के लिए ट्राई करोगे। तो ये जो वेटिंग टाइम है, इसे बैक ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैक ऑफ टाइम। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है आखिर बैक ऑफ एल्गोरिथम में। सो लेट्स कंसिडर, यहां पे दो स्टेशन कंसिडर करते हैं, ए बी। बराबर, ये दोस्तों एक बाइनरी बैक ऑफ एल्गोरिथम है। बाइनरी क्यों भैया यहां पे? क्योंकि हम लोग खेलने वाले हैं सिर्फ दो स्टेशन के साथ ही। अब हुआ क्या, सिनारियो क्या हुआ कि स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों ने क्या किया भैया, पैकेट अपना ट्रांसमिट करने की कोशिश की, और ऑब्वियस सी बात है दे मेट विद अ कोलिजन। और वो जो पैकेट थे वो यहां पे है, ये देखो ये वो पैकेट थे। अब हम लोग एक वेरिएबल एन कंसिडर करेंगे। ये एन क्या है भैया? एन इज नथिंग बट अ कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर मतलब आपका जो स्टेशन ए है उसका ये जो रिस्पेक्टिव पैकेट है, ये कितनी बार इट हैज मेट विद अ कोलिजन, ओके, कितनी बार, तो इट इज इक्वल टू 1। बराबर, अभी तो कोलिजन हुआ था इस पैकेट का, तो ये 1 और इसका भी 1। तो भाई ये जो n की वैल्यू अभी आई है, इसका उपयोग कहां पे होने वाला है, वेयर इट इज यूजफुल, इसकी वैल्यू कहां पे यूजफुल है? सो इट इज यूजफुल इन क्रिएटिंग द कंटेंशन विंडो फॉर ईच होस्ट। कंटेंशन विंडो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कंटेंशन विंडो जब आप क्रिएट कर रहे हो फॉर रिस्पेक्टिव होस्ट, उसमें जो उसकी एन की वैल्यू है, कोलिजन नंबर जो है वो बड़ा ही मायने रखता है। तो यहाँ पे हम लोग भैया कुछ इस तरीके से कंटेंशन विंडो जो है बनाते हैं, दैट इज इट विल बी 0 to 2 raised to n minus 1, कुछ इस तरीके से होगी, ओके, कुछ इस तरीके से। जैसे कि अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है फॉर होस्ट ए, इट इज इक्वल टू 1, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 1 रखते हैं, वी विल कीप इट हेयर 1, 2 raised to 1 2 होता है, 2 minus 1 1 होता है, क्लियर। तो ये बन गया अपना कंटेंशन विंडो, जिसमें कि दो एलिमेंट्स हैं, उसी तरीके से अपन इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी कंटेंशन विंडो तैयार करेंगे, और इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है, तो सेम एलिमेंट जो है आपको यहाँ पे इस कंटेंशन विंडो में देखने को मिल जाएंगे, सेम नंबर, सेम आंकड़े जो है इस कंटेंशन विंडो में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आगे होता क्या है, आफ्टर दिस कंटेंशन विंडो इज प्रिपेयर्ड, ये जो भाई साहब आपके होस्ट है, इनको क्या करना है, दे हैव टू रैंडमली पिक अ नंबर, अ इंटीजर, अ रिस्पेक्टिव आंकड़ा और रिस्पेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दिस कंटेंशन विंडो, रैंडमली पिक करना है। बराबर, सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि आपका जो होस्ट ए है, ये वो उसके कंटेंशन विंडो में से रैंडमली भैया 0 या 1 जो भी एलिमेंट्स, जो भी इंटीजर्स नंबर्स मौजूद हैं, उसमें से रैंडमली किसी एक को उठाएगा, 0 को उठा सकता है, 1 को उठा सकता है। उसी तरीके से जो होस्ट बी है, वो अपने उस कंटेंशन सेट में से किसी भी एक एलिमेंट को, नंबर, आंकड़े, इंटीजर को, 0 या 1 को उठा सकता है, पिक कर सकता है, रैंडमली पिक कर सकता है। नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉम्बिनेशंस, व्हाट आर गोइंग टू बी द टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस रैंडम पिक्स, वो जरा देखते हैं। तो भैया यहां से 0 उठेगा, तो यहां से 0 उठ सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, और 1 1 भी हो सकता है। ये ए की तरफ से, लेट्स कंसीडर, ये बी की तरफ से, ऐसा हो सकता है, इसने 0 उठाया, इसने भी 0 उठाया होगा, इसने 0, इसने 1, इस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूवमेंट इन द बैक ऑफ एल्गोरिथम, दैट इज हम लोगों को अभी वेटिंग टाइम या फिर बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा मामला, यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपको लगने वाले हैं, एक एलिमेंट तो मैं भैया एक ब्लैंक छोड़ देता हूं, और दूसरा एलिमेंट जो है टी स्लॉट।
टी स्लॉट क्या होता है भैया? टी स्लॉट जो है वो सिंपली आपका 2 into T है। अब आप पूछोगे भैया ये स्मॉल टी क्या है, तो जो दोस्तों स्मॉल टी है वो मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले है इन योर नेटवर्क, मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले। ये जो टी स्लॉट है वी कैन से इट इज इक्वल टू राउंड ट्रिप टाइम ऑल्सो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहां पे आते हैं भैया, ये जो ब्लैंक है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं और फिर अपना जो वेटिंग टाइम है जो कि हर एक होस्ट को असाइन किया जाएगा, बैक ऑफ टाइम हर एक होस्ट को असाइन किया जाएगा, उसे कंप्यूट करेंगे बराबर। तो भैया अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, मुझे समझ लो ए को असाइन करना है और ये उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो होगा क्या, लेट्स लुक एट द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ए ने 0 उठाया, बी ने भी 0 उठाया। अगर मैं अभी ऑन दिस बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन अगर मैं ए को वेटिंग टाइम असाइन करता हूं तो वो क्या होगा, ये 0 जो है ये 0 को उठा के मैं यहां पर रखूंगा। इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि ए को वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत रिट्रांसमिशन कर सकता है बराबर है। तो ये ए के लिए तो भैया कुछ वेट नहीं करना है। बी का क्या होता है, बी का हमें वेटिंग टाइम असाइन करना है, तो उसने कौन सा नंबर चुना भैया, कौन सा आंकड़ा चुना, 0, तो हम वो 0 इधर रखेंगे। तो यहां पे वेटिंग टाइम बी का क्या निकल के आता है कि आपको वेट नहीं करना है, ओके, 0 टाइम स्लॉट्स के लिए आपको वेट करना, मतलब आप तुरंत जो है रिट्रांसमिशन कर सकते हो। अब यहां पे होगी प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों ने सेम इंटीजर सेम आंकड़ा चुन लिया है और यहां पे जब ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है तो कोलिजन होता ही होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहां पे क्या होने वाला है, कोलिजन होने वाला है, बिकॉज दोनों वापस से सेम टाइम पे ट्रांसमिट करने वाले हैं, रिट्रांसमिट करने वाले हैं उनका वो पैकेट जो पहले कोलिजन में मेट हो चुका था, बिकॉज उन्होंने सेम इंटीजर चुन लिया है। सिमिलर केस होगा आपका यहां पे भी, 1-1, मतलब यहां पे 0 की जगह क्या होगा, 1 होगा। 1 टाइम स्लॉट तक दोनों रुकेंगे, 1 टाइम स्लॉट तक दोनों रुकेंगे और फिर वापस से एक साथ एक ही समय पर अपना जो पैकेट है वो ट्रांसमिट करेंगे, तो कोलिजन तो यहां पे भी होगा बराबर है। तो ये तो हमने सिचुएशंस देख ली कि कोलिजन कहां होगा। अब जरा एग्जामिन करते हैं भैया इन दो बीच वाले केसेस को, अब यहां पे क्या होगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ए जो है वो अगर उसकी वैल्यू में यहां पे ये रखता हूं जो उसने रैंडमली पिक की है 0 की वैल्यू, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको वेट नहीं करना है, वो सीधा रिट्रांसमिट कर सकता है। और फिर जो बी ने फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रैंडमली पिक किया हुआ नंबर है वो 1 है, वो अगर मैं यहां पे रखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसे 1 टाइम स्लॉट तक वेट करना है। हाँ, अब यहां कोलिजन नहीं होगा, यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, बिकॉज भाई यहां पे ए जो है तुरंत रिट्रांसमिट कर सकता है लेकिन बी तुरंत रिट्रांसमिट नहीं कर सकता, उसे 1 टाइम स्लॉट तक रुकना पड़ेगा, इट हैज टू वेट, उसे 1 टाइम स्लॉट तक रुकना पड़ेगा, उसी के बाद आफ्टर हिज बैक ऑफ टाइम एंड्स, आफ्टर हिज वेटिंग टाइम इज ओवर, फिर वो रिट्रांसमिट कर सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो यहां पे फिर जीता कौन, पहले किसने ट्रांसमिट किया, तो यहां पे ए जो है वो जीत गया, ए विंस हेयर बराबर, क्योंकि उसने अपना उसने वेट नहीं किया, ओके, और उसने अपना जो पैकेट है वो ट्रांसमिट कर दिया। इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहां पे सिंपल सी बात है, अभी आप इसका मतलब निकाल सकते हो कि भैया ए जो है उसे 1 टाइम स्लॉट तक रुकना है, बी को ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, उसका 0 यहां पे, मतलब क्या, वो तुरंत भैया रिट्रांसमिट कर सकता है लेकिन ए को यहां पे रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कितने देर तक, 1 टाइम स्लॉट तक उसे रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही वो रिट्रांसमिशन के लिए जा सकता है। मतलब यहां पे भैया बी जीत गया, बी उससे पहले जो एक तरीके से क्या कर देगा, अपना ट्रांसमिशन कर देगा, रिट्रांसमिशन कर देगा। प्रोबेबिलिटी निकालने की बारी आ चुकी है, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन निकालना है अपने को इस पॉसिबल सिनारियो को देखते हुए। तो भैया अगर आप देखोगे 4 कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें से 2 में तो भैया अपने को कोलिजन नजर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4 आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बाय कंसीडरिंग दिस सिनारियो सिचुएशन। फिर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ए जीत रहा है, तो वो कहां पे, एक ही बार हो रहा है, ओके, इट्स ओनली हैपनिंग फॉर 1, सो दैट इज 1/4 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग क्या होगा, वो भी भैया 1/4 होगा, एक ही बार इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका बी जो है वो जीत पा रहा है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज निकल गई। अब हम लोग एक लेवल थोड़ा और आगे जाते हैं, एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं।